नई दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग पर बुधवार को नजारा कुछ अलग था। आमतौर पर इंटरव्यू से बचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से तैयार थे। उनसे बातचीत की बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार ने मोदी से मां, परिवार, राजनीतिक रिश्तों तक पर बात की। चाय वाले से लेकर पीएम तक के सफर को बेहद खूबसूरती से फ्रेम दर फ्रेम समेटा गया। मोदी को 3.5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती और पीएम बनने का सपना कभी नहीं देखा, जैसे जवाब भी मिले। सबसे खास सवाल रहा, मोदी जी आप आम गुठलियों सहित खाते हैं या नहीं? सवाल तो अक्षय कुमार ने बहुत से पूछे, लेकिन हम सिर्फ आपको कुछ ऐसे सवालों के बारे में दिखाते हैं जिनमें मोदी जी जो जैसे दिखते हैं उनके अलग रूपों को दिखाएंगे। आपका बैंक बैलेंस कितना है? सीएम बनने से पहले मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, विधायक बना तो सैलरी आनी शुरू हो गई। बचपन में गांव में देना बैंक ने बच्चों को गुल्लक देकर कहा कि इसमें पैसे जोड़कर बैंक में जमा करना है, हमारे पास जमा करने के लिए कभी पैसे आए ही नहीं। दूसरा, अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या करेंगे? बिना परिश्रम के किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं यही कहूंगा कि ये जितने समाज शास्त्री और शिक्षाविद हैं उनके दिमाग में भर दो कि वे भावी पीढ़ियों को ये चिराग वाली थ्योरी पढ़ाना बंद कर दे। घड़ी कलाई के अंदर हिस्से में पहनते हैं, इसकी एक वजह यह है कि मुझे मीटिंग में बैठना पड़ता है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे हाथ मोड़कर घड़ी देखते हुए देखे, ऐसे उसे अपमान महसूस होता है, मानो मैं उसे जाने का संकेत दिया जा रहा हूँ। मैं उसके सम्मान के लिए घड़ी अंदर की तरफ पहनता हूँ और चोरी छिपे देख लेता हूँ। मोदी जी को नींद क्यों नहीं आती? मेरे साथियों का यही आग्रह है कि मैं अपनी नींद बढ़ाऊं। बराक ओबामा में इसमें उलझ गए कि तू ऐसा क्यों करता है, आज भी फोन करते हैं तो पूछते हैं कि नींद बढ़ाई या नहीं। मेरी बॉडी साइकिल ऐसी ही हो गई है, 3.5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद सोचूंगा कि नींद कैसे बढ़ाऊं। इस घर में सबसे कीमती वस्तु क्या है? शायद और प्रधानमंत्रियों को वो फायदा नहीं मिलता जो मुझे मिला है, वो ये कि मैं लंबे अरसे तक गुजरात का सीएम बनकर यहाँ आया हूँ। यही अनुभव यहाँ मेरी सबसे मूल्यवान चीज है। मोदी जी को जुकाम होता है तो क्या करते हैं? मैंने बहुत कठिन जिंदगी जी है, डॉक्टर दवाएं क्या होते हैं मैं नहीं जानता। जुकाम होने पर मैं उपवास रखता हूँ और सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ, सरसों के तेल की 2 बूंद नाक में डाल लेता हूँ। आपने कपड़े खुद डिजाइन किए हैं? दरअसल मैं एक छोटे से बैग में कपड़े लेकर यात्राएं करता था, लंबी बाह वाले कुर्ते बैग में ज्यादा जगह घेरते थे, इसलिए मैंने कुर्तों की बाहें काट दी, अब ये फैशन बन गया। क्या प्रधानमंत्री बनना हमेशा से सपना था? मैंने कभी प्रधानमंत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था, शायद जो बन जाते हैं उनके मन में भी ऐसा नहीं रहा होगा। मेरी पारिवारिक स्थिति जैसी थी उसमें मुझे एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाती तो मैं खुश हो जाता और माँ भी खुश हो जाती, पड़ोसियों में गुड़ बांटा। आप आम गुठलियों सहित खाते हैं या नहीं? आम मुझे बहुत पसंद है, जब मैं छोटा था तो किसानों के खेत में पेड़ पर कुदरती पके आम खाना मुझे पसंद थे, अब लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इतने खाऊं कि नहीं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।